सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों में सौंप दी गई है। सीबीआई की एसआईटी टीम मुंबई पहुंच चुकी है, जिसकी वीडियो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह शुक्रवार यानी 21 अगस्त से सीबीआई की टीम फुल एक्शन में आ गई है और अब केस से जुड़े दस्तावेज एकत्रित करेगी। लेकिन फिलहाल जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम पूरी रणनीति के साथ सुशांत के कुक नीरज को पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस लेकर गई है। सीबीआई की टीम दो गाड़ियों में गेस्ट हाउस के लिए निकल चुकी है, जिसकी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। नीरज वही है जिन्होंने बताया था कि उन्होंने सुशांत को सुसाइड वाले दिन जूस दिया था। नीरज ने ही सुशांत के दरवाजा न खोलने की बात कही थी। नीरज से बिहार और मुंबई पुलिस दोनों ने ही पूछताछ कर ली है और अब गेस्ट हाउस में सीबीआई द्वारा नीरज से पूछताछ की जाएगी। बताते चले कि सीबीआई की टीम आज मुंबई पुलिस के सीनियर अफसरों से मिलेगी जिन्होंने सुशांत का केस अब तक हैंडल किया था। केस से जुड़ी सभी जानकारी जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दर्ज किए गए बयानों का हैंडओवर लेगी। इसके बाद डीसीपी त्रिमुखे से भी सीबीआई का सामना होगा। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह के साथ उनके फ्लैट में मौजूद रहे कुछ साथियों ने ही उन्हें पंखे से नीचे उतारा था, लेकिन उनके करीबियों के मुताबिक जिस तरह के निशान उनके गले पर थे वो खुद से लगाई फांसी के नहीं थे। और कई तमाम तरह की चीजें हैं जिसे पता लगाने के लिए अब सीबीआई की टीम ने षड्यंत्र के साथ 14 जून के उस पूरे सीन को रिक्रिएट करने का फैसला किया है। सीन रिक्रिएशन के लिए सीबीआई की टीम एक डमी का इस्तेमाल करेगी। बहरहाल फिलहाल देखना यह होगा कि कुक नीरज से पूछताछ के बाद मामले में क्या निष्कर्ष निकलता है। प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यूज अपडेट्स।